शिमला क्वीन ऑफ हिल्स, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है और विंटर में इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 2276 मीटर की हाइट पर स्थित है। शिमला फेमस है अपनी माल रोड, रिज, लक्कड़ बाजार, जाकू मंदिर, सीनिक व्यूज और स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। शिमला की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर शिमला गर्मियों में इंडिया की राजधानी हुआ करता था। सो इस वीडियो में मैं आपको शिमला इन विंटर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि शिमला कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा आपका शिमला सर्दियों में घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप अपना शिमला का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप शिमला स्नो देखने आ रहे हैं तो मिड दिसंबर टू फेब बेस्ट टाइम रहता है स्नो शिमला में देखने का। इस टाइम पर आपको शिमला में स्नो मिल ही जाएगी। मिनिमम टेम्परेचर इस टाइम पर आपको -2 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है। सो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। शिमला कैसे पहुँचे? सो शिमला आप बस, ट्रेन, बाय एयर और बाय टैक्सी पहुँच सकते हैं। बाय बस आपके पास वोल्वो और ऑर्डिनरी बस दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। दिल्ली या चंडीगढ़ को आप अपना सेंटर बनाकर आ सकते हैं। दिल्ली ISBT से शिमला वोल्वो बस के चार्जेस 1,050 रुपये और ऑर्डिनरी बस के चार्जेस 550 रुपये पड़ेंगे और चंडीगढ़ से वोल्वो का किराया 600 रुपये और ऑर्डिनरी बस का किराया 250 रुपये पड़ेगा। मैं ये HRTC बसेस की बात कर रहा हूँ। वैसे और भी बहुत सारे लोकल वेंडर की बसेस भी शिमला रूट पर चलती हैं, उनसे भी आप शिमला आ सकते हैं। बाय ट्रेन आप शिमला की फेमस टॉय ट्रेन से भी शिमला आ सकते हैं, जो कि सबसे चीप और बेस्ट ऑप्शन है शिमला पहुँचने का। साथ ही साथ ये एक यादगार सफ़र भी रहता है। टॉय ट्रेन लेने के लिए पहले आपको कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। टॉय ट्रेन की टाइमिंग आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। टॉय ट्रेन आपको 4.5 घंटे में कालका से शिमला पहुंचा देगी। किराए की बात करें तो 300 से 500 रुपये किराया खर्च कर आप टॉय ट्रेन का ये रोमांचक सफ़र कर सकते हैं। बाय एयर भी आप शिमला आ सकते हैं। शिमला में एयरपोर्ट है जहाँ की फ्लाइट लेकर आप शिमला आ सकते हैं। शिमला एयरपोर्ट से शिमला सिटी की दूरी 21 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी से तय कर सकते हैं, जिसके टैक्सी से 200 से 300 रुपए लगेंगे। टैक्सी से भी आप शिमला आ सकते हैं, जिसका किराया दिल्ली से 6 से 8000 रुपए तक हो सकता है और चंडीगढ़ से 3500 से 5000 रुपए तक हो सकता है। दिसंबर टू फेब अगर आप आ रहे हैं तो इन मंथ्स में आपको शिमला में काफ़ी क्राउड मिलेगा और होटल्स और साइटसीइंग चार्जेस भी नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अगर आप इन मंथ्स में आ रहे हैं तो होटल की ऑनलाइन बुकिंग करवा लें। न्यू ईयर और क्रिसमस पर स्पेशली शिमला में बहुत क्राउड होता है, सो इस टाइम पर जरूर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आएँ। होटल की बात करें तो माल रोड पर होटल आपको 1500 से 2500 की रेंज में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आप माल रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होटल लें, जो आपको 700 से 1500 की रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो होटल में पार्किंग जरूर चेक कर लें, जिससे कि आपकी कार होटल में पार्क हो जाए। अदरवाइज़ आपको पार्किंग के चार्जेस 50 रुपये पर डे देने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिमला में कहाँ कहाँ घूमें। सो नंबर 1 पर आता है माल रोड। माल रोड अंग्रेजों की बनाई हुई एक वेल मेंटेन्ड रोड है, जहां पर आप शॉपिंग, कैफ़े, रेस्टोरेंट, वॉकिंग और फोटोग्राफी का लुफ्त उठा सकते हैं। माल रोड पर आपको काफ़ी सारे फेमस फूड पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया कॉफ़ी हाउस, सीताराम एंड सन, गुफा आशियाना, सिटी पॉइंट, त्रिशूल बेकरी और भी बहुत सारी खाने पीने की और शॉपिंग की शॉप्स आपको माल रोड पर मिल जाएंगी। सेकेंड नंबर पर आता है द रिज शिमला। रिज माल रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा स्थान है, जो कि ब्यूटीफुल माउंटेन से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपको क्रिस्ट चर्च, स्कैंडल पॉइंट, माउंटेन व्यू पॉइंट, फूड शॉप्स एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगी। सो
सो नंबर थ्री पर आप घूमने जा सकते हैं लक्कड़ बाजार। लक्कड़ बाजार फेमस है अपने लकड़ी के सामान के लिए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वुडन हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप, वुलन्स और पश्मीना शॉल की शॉप देखने को मिल जाएंगी, और फेमस सीताराम एंड सन की शॉप भी आपको लक्कड़ बाजार के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। सीताराम एंड सन फेमस है अपने छोले लूची के लिए। लूची एक तरह से कुलचे जैसा होता है, आप भी जब आएँ तो इसे ज़रूर ट्राई करें। लक्कड़ बाजार के पास ही आपको आइस स्केटिंग रिंग भी बना हुआ मिल जाएगा, जहां पर आप 200 रुपये पर पर्सन में आइस स्केटिंग कर सकते हैं। फोर्थ आप जा सकते हैं जाकू टेंपल। जाकू मंदिर आप 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर या फिर रोपवे और कार से भी जा सकते हैं। रोपवे के चार्जेस 300 रुपये अडल्ट और 250 रुपये बच्चों के रहते हैं। जाकू मंदिर का ट्रैक माल रोड से ही शुरू होता है। जाकू मंदिर जाकू हिल्स पर 2455 मीटर की हाइट पर स्थित हनुमान जी का मंदिर है। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ देर विश्राम किया था। यहाँ पर आपको हनुमान जी की 108 फीट लंबी मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। अगर आप शिमला मिड दिसंबर से फेब के बीच में आ रहे हैं और आपको शिमला में स्नो नहीं मिल रही है तो आप जा सकते हैं कुफरी या फिर नारकंडा। दिसंबर टू फेब आपको यहां पर जरूर स्नो मिल जाएगी। कुफरी शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि फेमस है अपने स्नो पॉइंट, हॉर्स राइडिंग, एडवेंचर्स एक्टिविटी के लिए। शिमला से बस और टैक्सी से आप कुफरी पहुंच सकते हैं। नारकंडा शिमला से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नारकंडा 8100 फीट की हाइट पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो कि फेमस है अपनी विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। नारकंडा के रास्ते में भी आपको कई स्नो पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, वहाँ भी आप जा सकते हैं। फूड की बात करें तो शिमला में आपको वेज, नॉन वेज, चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर टाइप का फूड अवेलेबल हो जाएगा। एक मील की बात करूं तो 150 से 250 रुपये में आपकी एक मील की कॉस्ट रहेगी। सो शिमला आप विंटर्स में आ रहे हैं तो वुलन, थर्मल, हैवी जैकेट, बूट्स, ग्लव्स, कैप, मफलर जरूर रख लें। शिमला एक बड़ी सिटी है तो हर टाइप की सर्विस जैसे ATM, पेट्रोल पम्प, मोबाइल नेटवर्क, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सो शिमला घूमने के लिए आपको 2 दिन चाहिए होते हैं। आप ट्राई करें कि डे 1 की सुबह आप शिमला पहुंच जाएं। डे 1 पर आप माल रोड, द रिज, लक्कड़ बाजार घूम सकते हैं। ये सारी जगहें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिन्हें आप पैदल ही कवर कर सकते हैं। सेकेंड डे आप जाकू टेम्पल जा सकते हैं और जाकू मंदिर से आकर शॉपिंग, रिज, स्केटिंग और भी कई सारी चीज़ें शिमला में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बजट की बात करें तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो होटल 1000 रुपये के हिसाब से 500 रुपये पर पर्सन। सो 2 दिन का होटल का 1000 रुपये पर पर्सन, फूड का 1000 रुपये पर पर्सन, साइट सीइंग का 500 रुपये पर पर्सन। सो इस तरह से आप 2500 रुपये पर पर्सन में अपना शिमला का टूर प्लान कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना शिमला का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।